सो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का, जिसमें हम पहला जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मैग्नेटिक डिस्क। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? ए मैग्नेटिक डिस्क इज़ ए थिन सर्कुलर मेटल प्लेट यूजली रिकॉर्डेड ऑन आइदर साइड। तो एक पतली सर्कुलर मेटल प्लेट होती है जिसमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो किसी भी तरफ हो सकती है, दोनों तरफ भी हो सकती है। डिस्क में जो डेटा है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, इस तरीके से। तो ये डायग्राम को हम समझेंगे अभी कि क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये मैग्नेटिक डिस्क का है। इसमें होता क्या है कि बीच में एक स्पिंडल है, एक शाफ्ट है जिस पे कई सारे सिलेंडर्स जो हैं, ये सिलेंडर ये पूरा है, ओके, ये पूरा एक सिलेंडर है। तो कई सारे सिलेंडर्स जो होते हैं वो रखे रहते हैं, ये रखा है सिलेंडर। तो ये जो ग्रीन पार्ट है ये एक सिलेंडर है। तो इस तरीके से कई सारे सिलेंडर हो सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे हम एक सिलेंडर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एक सिलेंडर रहेगा और हर सिलेंडर के अंदर कई सारे ये प्लेटर्स हो सकते हैं, ओके। ये कई सारे, यहाँ पे मैंने 3 प्लेटर शो करें, ये कई सारे प्लेटर हो सकते हैं, ओके। और हर प्लेटर के अंदर ये आपको कई सारी लाइंस दिख रही होंगी ऑरेंज कलर की। तो इस तरीके से कई सारे जो हैं ट्रैक्स हो सकते हैं, और हर ट्रैक के अंदर ये जो पोर्शन है ये छोटा वाला, यहाँ पे आपको ये ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये जो होते हैं हर ट्रैक के अंदर सेक्टर्स होते हैं, और कई सारे सेक्टर्स को मिला के एक ब्लॉक बनाया जाता है जो कि ये है, ओके। तो ये तरीके, इस तरीके से पूरा जो है स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पे डिस्क आर्म रहती है जो कि एक प्लेटर के ऊपर रहती है, और इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, ओके। तो सबसे पहले जो हमने इसमें पढ़ा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि एक स्पिंडल रहता है, उस स्पिंडल के ऊपर एक सिलेंडर रहता है, हर सिलेंडर के अंदर कई सारे प्लेटर होते हैं, हर प्लेटर के अंदर कई सारे ट्रैक्स होते हैं, हर ट्रैक के अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं, और सेक्टर्स को मिला के ब्लॉक बनता है, ओके। तो ये बेसिक बात समझ में आई होगी। फिर एक डिस्क आर्म रहता है जो कि एक प्लेटर के ऊपर रहता है, और ये मूव करता है अलग अलग प्लेटर्स के ऊपर, और मूवमेंट कहीं ना किसी डायरेक्शन में ये घूम रहा होता है। एक रियल ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। तो इस तरीके से जो है मैग्नेटिक डिस्क दिखती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो पूरी चीज़ है ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और इसमें आपको कई सारे ये प्लेटर दिख रहे होंगे, यहाँ पे कई सारे प्लेटर्स हैं, और हर प्लेटर के अंदर कई सारे इस तरीके से ट्रैक्स होंगे, हर ट्रैक के अंदर कई सारे सेक्टर्स होंगे, और कई सारे सेक्टर्स को मिला के एक ब्लॉक बन रहा होगा, ओके। ये है डिस्क आर्म मूवमेंट। ये अभी सबसे ऊपर वाले प्लेटर के ऊपर है, और ये कई सारे प्लेटर्स को रीड कर सकती है, ओके। तो ये जो है ये रियल ओवरव्यू है, करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, मिटा देता हूँ। इस तरीके से जो है असलियत में मैग्नेटिक डिस्क दिखती है। अब तो जो है हार्ड डिस्क वगैरह हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे गेट के सिलेबस में मैग्नेटिक डिस्क है, ओके। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग टाइम्स जो हैं जो कि मैग्नेटिक डिस्क के साथ रिलेटेड हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला होता है सीक टाइम। तो सीक टाइम क्या होता है? द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रीड राइट हेड टू गेट टू द डिज़ायर्ड ट्रैक। जिस ट्रैक पर हम जाना चाहते हैं, एक प्लेटर के अंदर कई सारे ट्रैक्स होते हैं, तो अगर मान लीजिए मुझे इस ट्रैक पे जाना है, तो इस ट्रैक पे रीड राइट हेड के पहुंचने का जो टाइम है वो मेरा सीक टाइम कहलाता है। दूसरा है रोटेशनल लेटेंसी। रोटेशनल लेटेंसी क्या कहता है? द टाइम रिक्वायर्ड टू मूव रीड राइट हेड टू द बिगिनिंग ऑफ द डिज़ायर्ड सेक्टर।
तो एक प्लेटर जो होता है उसके अंदर कई सारे ट्रैक्स रहते हैं और हर ट्रैक के अंदर कई सारे सेक्टर्स होते हैं। तो कहीं से तो उस सेक्टर की शुरुआत होती होगी, तो एक सेक्टर के शुरुआत में पहुंचने के लिए हम जो है रोटेशनल लेटेंसी टाइम जो है उसे कहते हैं, एक सेक्टर के बिगनिंग पे पहुंचने के लिए जो टाइम हमें लगता है। और ये जनरली जो होता है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ हाफ ऑफ रोटेशनल टाइम। रोटेशन टाइम क्या होता है कि कितने समय में डिस्क जो है वो एक राउंड घूम रही है, वो रोटेशन टाइम होता है। और उसका हाफ अगर हम कर देंगे उस टाइम का तो हमारा रोटेशनल लेटेंसी आ जाती है। ओके ओके, सब टोटल जो टाइम लगेगा अगर हमें कोई भी डेटा जो है एक्सेस करना है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा रहेगा सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस डेटा ट्रांसफ़र टाइम, कि कितना डेटा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका कितना टाइम है, प्लस सम ओवरहेड टाइम। और ओवरहेड टाइम में हमारा टाइम आ जाता है कि अगर हमें किसी कंट्रोलर जो है डिस्क का उसे अगर सेटअप करना है तो उसमें कुछ ना कुछ डिले आ जाती है, तो वो टाइम भी हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पर लग जाता है। ओके, तो हमारा एवरेज टाइम जो है एक्सेस करने का डिस्क को वो है सीक टाइम प्लस रोटेशन टाइम प्लस डेटा ट्रांसफ़र टाइम प्लस सम ओवरहेड टाइम। ओके, देखा जाए तो मैग्नेटिक डिस्क को सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसा क्यों कहा जाता है सेमी रैंडम एक्सेस मेमोरी मैग्नेटिक डिस्क को क्यों कहा जाता है, बिकॉज रीचिंग टू डिजायर्ड सेक्टर इज रैंडम, एंड एक्सेसिंग बाइट्स फ्रॉम इट इज सिक्वेंशियल। किसी भी सेक्टर पे जब हम पहुंच रहे होते हैं तो वो चीज़ जो है वो रैंडम है, कि एक प्लेटर के अंदर कई सारे ट्रैक्स हैं और उन ट्रैक्स के अंदर कई सारे सेक्टर्स हैं, तो ये किसी भी सेक्टर पे रैंडमली पहुंच सकता है। लेकिन उसमें से अगर बाइट्स को एक्सेस करना है तो एक सेक्टर पे पहुंचने के बाद अगर बाइट्स को एक्सेस करना है तो वो सिक्वेंशियली ही एक्सेस करेगा, इसीलिए वो सेमी रैंडम है, आधा रैंडम है। ओके, तो वो रैंडमली किसी भी सेक्टर पे पहुंच रहा है लेकिन उसमें जो बाइट्स हैं उन्हें वो सिक्वेंशियली एक्सेस कर रहा है। ओके, हर रोटेशन जो है डिस्क का वो एक ट्रैक को कवर करता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ईच रोटेशन ऑफ द डिस्क कवर्स वन ट्रैक। होता क्या है कि जो हमारा स्पिंडल होता है उस पर हमारे कई सारे प्लेटर होते हैं, ये बात हमने देखी थी, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं देखी थी कि यहाँ पे सरफेसेस भी होती हैं। एक प्लेटर पे दो सरफेस होती हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये अगर सरफेस ज़ीरो है तो ये सरफेस वन होती है, फिर ये सरफेस टू है, ये सरफेस थ्री है, ये सरफेस फोर है और ये सरफेस फाइव है। ओके, और ये सब पैक रहता है एक सिलेंडर के अंदर। ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी जो मैं बताना भूल गया था। तो तीन अलग अलग तरीक़ों से मैग्नेटिक डिस्क को बनाया जा सकता है। पहला तरीका है कि उसे सिंगल साइडेड रखो या फिर डबल साइडेड। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि वो सिंगल साइडेड है तो हम उसे डबल साइडेड लेके चलेंगे।
डबल साइडेड वही जो हमने अभी सरफेस का पढ़ा कि एक ही सरफेस हो सकती है एक प्लेटर पे या दो सरफेस हो सकती हैं। ओके, सेकंड है रीड राइट हेड कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। रीड राइट हेड को हम फिक्स्ड भी कर सकते हैं मूवेबल भी। अंदर क्या है, फिक्स्ड में क्या होता है वन रोटेशन एंड ट्रैक्स कवर्ड, एक रोटेशन में एंड ट्रैक्स को वो कवर कर लेगा, मतलब एक पूरा प्लेटर जो है वो कवर हो जाएगा एक ही रोटेशन में। मूवेबल में क्या है ऑन वन रोटेशन वन ट्रैक कवर, तो एक प्लेटर को कवर करने के लिए हमें एन रोटेशंस करने पड़ेंगे क्योंकि एन ट्रैक्स हैं अगर एक प्लेटर पे तो एन रोटेशन। यहाँ पे क्या है एक ही रोटेशन में पूरा प्लेटर कवर हो रहा था। आई क्या है, थर्ड क्या है सिंगल प्लेटर और मल्टी प्लेटर। सिंगल प्लेटर में क्या होता है एक एक प्लेटर रखा रहता है जबकि मल्टी प्लेटर में कई सारे प्लेटर्स का एक ग्रुप एक साथ रखा रहता है। ओके, तो ये तीन तरीके से हम जो है मैग्नेटिक डिस्क को डिज़ाइन कर सकते हैं तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है गेट 2007 में एंड ये दो बार पूछा गया है, 11 में ही पूछा गया है और ये इसरो में 2009 में एंड 2016 में पूछा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। कंसिडर ए डिस्क पैक विद 16 सरफेसेस, तो सरफेस कितनी है हमारे पास 16, जिन्हें हम 2^4 लिख सकते हैं। 128 ट्रैक्स पर सरफेस, तो ट्रैक्स कितने हैं 128 पर सरफेस, तो इसे हम 2^7 पर सरफेस लिख सकते हैं। एंड 256 सेक्टर्स पर ट्रैक, तो सेक्टर्स कितने हैं हमारे पास 256 सेक्टर्स पर ट्रैक, मतलब 2^8 पर ट्रैक। 512 बाइट्स ऑफ डेटा आर स्टोर्ड इन बिट सीरियल मैनर इन ए सेक्टर, तो एक सेक्टर में 512 बाइट्स का डेटा है, मतलब 2^9 बाइट्स का। द कैपेसिटी ऑफ डिस्क पैक एंड द नंबर ऑफ बिट्स टू स्पेसिफाई पर्टिकुलर सेक्टर, तो कैपेसिटी ऑफ डिस्क पैक क्या हो जाएगी, तो कैपेसिटी हो जाएगी टोटल सरफेस कितने हैं 2^4, हर सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं 2^7, हर ट्रैक में कितने सेक्टर्स हैं 2^8, हर सेक्टर कितने बाइट्स का है 2^9, तो टोटल हो जाएगा ये 2^28, दैट इज 256 मेगाबाइट्स। तो 256 मेगाबाइट्स का है तो मतलब सी और डी तो आंसर नहीं है, ए और बी में से हमारा आंसर हो सकता है। अब हमें देखना है कि सरफेसेस जो हैं वो कितनी हैं। ओके, तो सेक्टर कितने थे 256 सेक्टर्स थे पर ट्रैक में। ओके, तो हमें टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स निकालने हैं पहले, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हो जाएंगे, तो 2^4 सरफेस हैं, हर सरफेस में 2^7 ट्रैक्स हैं, हर ट्रैक में 2^8 सेक्टर्स हैं, ये टोटल सेक्टर्स हो जाएंगे और ये कितने हैं 2^19 सेक्टर्स। तो इन्हें हम कितनी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन्हें हम 19 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है ए।